प्रिंसेस सेलेस्टिया तुम्हें इनवाइट कर रही है इस शादी में प्रिंसेस मिया मोर कजेंजा और मेरे भाई की ट्वाइली। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये नहीं बताने की कि तुम शादी कर रहे हो? दरअसल कैंटल लॉर्ड को एक धमकी मिली है। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की कि मैं शहर में सुरक्षा बढ़ाऊं। पर मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम जिस पोनी से शादी कर रहे हो उसे मैं नहीं जानती। प्रिंसेस मियो मेरे केडेंसा कोई और नहीं केडेंस है। केडेंस जैसे अमेजिंग पोनी तो मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ कोई जरूरी बात तो नहीं चल रही थी ना? केडेंस मैं हूँ ट्वाइलाइट। और मुझे लगता है मुझे इसे पहनना चाहिए। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो बहुत बुरी है। इसने मेरे भाई पर जादू किया और उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। केडेंस मेरे ऊपर कोई जादू नहीं कर रही थी, वो अपने जादू से मुझे ठीक कर रही थी। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शादी में आता ही नहीं। मैंने अपने भाई को खो दिया। I'm sorry. तुम जरूर होगी। हेलो, क्या वहां कोई है? मैं कहां हूं? कैंटल लॉर्ड के नीचे की गुफा में, जो एक जमाने में उन लालची यूनिकॉर्न्स का घर हुआ करता था जो सारे जेम्स पर कब्जा करना चाहती थी, और अब तुम्हारी जेल। बचाओ, बचाओ! चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई सुन नहीं सकता और ना ही तुम्हें कोई ढूंढना चाहेगा। ज्यादातर पोनीज तो भूल चुके हैं कि ये गुफाएं हैं, इसलिए ये गुफाएं बिल्कुल सही जगह है उन लोगों को कैद करने के लिए जो मेरे प्लान्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे प्लान्स? बेशक मेरे वो प्लान्स जो तुम्हारे भाई के लिए हैं। मेरे भाई को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, शैतान कहेंगी। मुझे रोकने का एक ही तरीका है, मुझे पकड़ के दिखाओ। यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ हूँ। नहीं, रुको, प्लीज मुझे छोड़ दो। ट्वाइलाइट, ये मैं हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही कैद हूँ। वो केडेंस जो तुम्हें यहाँ लेकर आई वो नकली है। अच्छी कहानी है। सनशाइन सनशाइन लेडी बग्स अवेक, क्लैप योर हूव्स एंड डू अ लिटिल शेक। तुम्हें मैं याद हूँ? बिल्कुल याद हो, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस फिली को जो मुझे बहुत पसंद है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, हमें उसे रोकना होगा। हर पोनी मुझे कहे मेरा गाउन सुंदर लगे, वो है अनजान मैंने जाल बिछाया अपना। ये दिन होने वाला था परफेक्ट, ऐसा दिन जिसका देखा मैंने सपना। पर जश्न मनाने की जगह मैं हूँ सबसे दूर यहाँ, और शायद शादी का सपना रहे अधूरा। मुझे इस ड्रेस की फिक्र नहीं, ना किसी केक की है पड़ी। वादे भी झूठे ही करते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल आए हमें अलग नहीं कर पाए। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या होगा, मैं उससे नहीं करती हूँ प्यार, मेरे लिए है वो। फिर भी मैं उसको बना के रहूँ अपना। निकल चलो कहीं हो ना देर, हमें उसे बचाना है। पर मुझे डर है हम उसे खो ना दे कहीं, क्योंकि वो जानता नहीं उसके साथ मैं नहीं कोई और है। क्योंकि मुझको है उससे प्यार, मेरा दिल ये कहे प्यार शाइनिंग अमर, तुमसे मिलने को हो बेकरार।
हो जाए बेकार, शाइनिंग आर्मर होगा मेरा मेरा मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रिंसेस मियामोरे कैडेंजा और शाइनिंग आर्मर को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए। ओह, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बचा लेंगे, हमें बस ढूंढना होगा एक। वो देखो, तुम कहीं नहीं जाने वाली। प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों को। वो अपने भाई को लेकर इतनी पॉसेसिव क्यों है? वो मेरे स्पेशल दिन को क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल दिन नहीं है, मेरा है। क्या? पर तुम मेरी ब्राइड्समेड से बचकर कैसे निकली? मुझे चाहिए। बहुत अच्छे, पर तुमने फिर भी देर कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो एक साथ दो कैसे हो सकती हैं? वो एक चेंजलिंग है, वो पोने की जगह ले लेती है जिससे आप प्यार करते हैं, और फिर आपके प्यार से उसे ताकत मिलती है। सही कहा तुमने प्रिंसेस। और चेंजलिंग्स की रानी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए खाना ले आऊं। इक्वेस्ट्रिया मुझे हर उस जगह से प्यारी है जहां मैं गई हूं। यहां रहकर मेरे साथियों को इतना प्यार, इतनी ताकत मिल सकती है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये मौका कभी नहीं मिलेगा। शाइनिंग आर्मर का प्रोटेक्शन जादू उन्हें हम तक पहुँच नहीं देगा। ओ, मुझे नहीं लगता, मैंने सही कहा ना डियर। अब तुम वापस अपनी गुफा में नहीं जाना चाहती है ना? जब से मैंने तुम्हारी जगह ली है, शाइनिंग आर्मर के तुम्हारे लिए प्यार से मुझे टक्कर मिल रही है। हर पल वो कमजोर हो रहा है, और साथ ही उसका जादू भी। इस वक्त भी मेरे मीनियंस उसका जादू तोड़ रहे हैं। ये भले ही मेरा पति ना हो, पर ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। और मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, पर अब वो रॉयल गार्ड के कैप्टन के तौर पर अपनी ड्यूटी करने के लायक नहीं है। नहीं शाइनिंग आर्मर, जल्द ही मेरे चेंजलिंग के आर्मी अंदर आ जाएंगे। पहले हम कैंटरलॉट पर कब्जा करेंगे, और फिर पूरे इक्वेस्ट्रिया पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने भले ही शाइनिंग आर्मर को कमजोर बना दिया हो अपने जादू से, पर अब जब तुमने हमें अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, तो मैं अपने लोगों को तुमसे बचा सकती हूँ। शाइनिंग आर्मर का प्यार जितना सोचा था उससे ज्यादा गहरा निकला। इसे पाकर मैं सेलेस्टिया से भी ज्यादा ताकतवर बन गई हूँ। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी, तुम्हें उस तक पहुँचना होगा और उसकी पावर का इस्तेमाल करके उसे हराना होगा। तुम भाग सकती हो, पर तुम छिप नहीं सकती। Go!
लगता है हमें ये सब दूसरे तरीके से करना होगा। तुम ऐसा वो चेंजलिंग्स हैं याद है? वो चेंजलिंग्स हैं याद है? मुझ पर ध्यान मत दो, हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी तक पहुंचना है, वही एक उम्मीद है। करके बचोगी नहीं, ट्वाइलाइट और उसके दोस्त। तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हें पता है ना कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया है ना? जाओ और खाओ। ये कमाल है, सच में ट्वाइलाइट को शुरू से ही मेरे बर्ताव पर शक था। बुरा हुआ कि तुम सब शादी की जिम्मेदारियों में इतनी बिजी होगी कि तुम्हें लगा ही नहीं उसका शक सही था। सॉरी ट्वाइलाइट, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम्हारी गलती नहीं है, उसने सबको बेवकूफ बनाया। मैंने बनाया है ना? ये दिन होगा बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा दिन जिसका देखा मैंने सपना। हर बोनी को करूं कंट्रोल, हर स्टैलियन की खोलूं पोल, कौन कहे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। जल्दी, यही मौका है, उसके पास पहुंचो। क्या शादी खत्म हो गई? सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा जादू, अपना जादू करो। उससे क्या फायदा होगा, मेरे चेंजलिंग्स पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं, मेरी ताकत अब किसी काम की नहीं, मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता। मेरा प्यार तुम्हें ताकत देगा। कितना प्यारा पर बहुत ही बेवकूफी भरा सीन है। Thank you.
मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आज किसी भी तरह ये शादी करवानी है। समझ सकती हूँ कि चेंजलिंग्स की क्वीन तुम्हारे साथ क्यों थी, पर तुमने केडेंस जैसी अमेजिंग पोनी को शादी के लिए कैसे मनाया? क्योंकि मैंने उसे कहा कि उसे ना सिर्फ एक पति मिलेगा बल्कि साथ में एक बहुत अच्छी बहन भी मिलेगी। एंड जेंटलमैन, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं असली प्रिंसेस मी अमोरे कैडेंजा और प्रिंसेस केडेंस चलेगा प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर को शादी के बंधन में बंधते हुए देखने के लिए। उनके रिश्ते की ताकत का आप सभी को अंदाजा है। क्या हमें रिंग्स मिल सकती हैं प्लीज? आई नाउ प्रोनाउंस यू मेयर एंड कोल्ड। ये उनके साथ साथ हमारी भी जीत है। तुमने अपने शक का सामना किया और तुम्हारी सूझबूझ की मदद से तुम असली प्रिंसेस कैडेंस को हमारे पास लाने में कामयाब हुई। अपने मन की आवाज को सुनना एक बहुत ही कीमती सबक है। रेनबो डैश, अब तुम्हारी बारी। हेलो पोनीज, क्या मैंने कुछ मिस किया? चलो ये पार्टी शुरू करते हैं। ये जोड़ी कितनी प्यारी, एक प्यारा दुल्हा एक सुंदर दुल्हन, ये जोड़ी सबसे प्यारी। इनको नजर न लगे किसी के, पल हर पल रहे खुश, रहे ये खुश, पल हर पल रहे खुश, रहे ये खुश। ट्वाइलाइट, तुम्हारी मदद के बिना ये बिल्कुल नामुमकिन था लिटिल सिस। लव यू ट्वाइली। लव यू टू बीबी बीएफएफ। तो चलने के लिए तैयार? ओह, मैं तो भूल ही गई। ये मेरा है। कहते हैं एक शानदार वेडिंग। ओह हाँ, बस तुम देखती जाओ बैचलर पार्टी के लिए मैंने क्या प्लान किया है।